हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, जामना ऑटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ऑटो एंसिलरी सेक्टर का एक छोटा सा स्टॉक है जामना ऑटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे पिछले 4-5 साल का, तो आपको लगेगा कि कितने बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा है ये स्टॉक जामना ऑटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। और आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है, और रिजल्ट कैसा रहा उसके बारे में बात करते हैं इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड भी डिक्लेयर किया इस कंपनी ने, इंटरिम डिविडेंड। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। 52 वीक लो देखा जाए तो 58 रुपीज़ का है, एंड 52 वीक हाई 101 रुपये का है। तो मतलब कि 60 से 101 रुपये के बीच में ऊपर नीचे हुआ ये स्टॉक पिछले कुछ टाइम से, पिछले एक साल से। अब ये देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 करोड़ की, एक स्मॉल कैप स्टॉक जरूर है। पी रेशियो 20 का है, जहाँ पे इंडस्ट्री पी 24 का है। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट 4 रुपये के बीच में है, मतलब 3.71 का, ऑलमोस्ट 4 के अराउंड है। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 7.09 का, क्योंकि बुक वैल्यू 10 रुपया 64 पैसे की है और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है स्टॉक की। अभी देखिए, डिविडेंड डिक्लेयर किया है, अच्छी बात है, 50 पैसे का डिविडेंड है। और ये देखिए, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसकी रिकॉर्ड डेट कब की रखी गई है, नवंबर 30 की रिकॉर्ड डेट रखी गई है। जामना ऑटो का डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, इंटरिम डिविडेंड तो है, तो डिविडेंड की हिस्ट्री भी देख लेते हैं कंपनी की। इससे पहले जामना ऑटो ने इस साल यानी कि 2018 में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था, मई में डिक्लेयर किया था, और सितंबर में अभी उन्होंने बांटा है वो डिविडेंड, अच्छी बात है। कितना था वो, 55 पैसे का था। और इससे पहले 2017 में 2 बार डिविडेंड दिया था, एक बार 2 रुपये का दिया था, एक बार 30 पैसे का दिया था। तो इस साल अगर आप ओवरऑल डिविडेंड देखो तो वो कमी आई है डिविडेंड के अमाउंट में। अब देखते हैं रिजल्ट, रिजल्ट आज इसका 12 बजे के अराउंड आया था, और रिजल्ट कैसा रहा उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, अगर आप रिजल्ट देखोगे तो टोटल इनकम में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी कमी आई है, मतलब टोटल इनकम 565 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, इस बार 551 करोड़ शो किया, 551 करोड़ का टोटल इनकम। लेकिन अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर 2017 सितंबर की बात करते हैं, अगर यानी कि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं, तो 392 करोड़ का प्रॉफिट उस टाइम पे, टोटल रेवेन्यू उस टाइम पे था। चलिए प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर 35 करोड़, 50 लाख, इतना प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया है। लास्ट क्वार्टर में यही प्रॉफिट जो था 40 करोड़ का था, तो मतलब ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ की प्रॉफिट में कमी आई है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 29 करोड़ का था, वहाँ से ये 35 करोड़ 50 लाख चला गया। तो यहाँ पे ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 6 करोड़ का प्रॉफिट में जंप देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमी जरूर देखी गई है प्रॉफिट में, अच्छी। चलिए एक नज़र डालते हैं उधार कितना है कंपनी में। कंपनी में अगर डेट की बात करते हो तो 47 करोड़ का डेट है, और टोटल एसेट 471 करोड़ के हैं, तो ये चीज़ भी अच्छी है। डिविडेंड हमने बात कर ली, और ग्राफ पे एक नज़र डालते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था, पिछले 5 साल में ये स्टॉक 6 रुपये से 100 रुपये तक गया है, तो पिछले 5 साल में बहुत बेहतरीन ग्रो किया है इस कंपनी ने, बहुत बेहतरीन बेहतरीन, मतलब आप खुद देखिए, 5 से 6 रुपये के बीच में ये था स्टॉक, और 100 रुपये तक गया, तो 20 गुना रिटर्न दिया पिछले 5 साल में। लेकिन अभी जो क्रैकडाउन आया जनवरी 5 के बाद, उस टाइम के बाद इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है, और ये 100 रुपीज़ से गिर के, देखिए आप खुद देखिए, 69 रुपीज़ तक भी आया था अभी गिरावट के दौर पे, ऊपर नीचे डाउन हुआ, ये देखिए बिल्कुल नीचे यहाँ तक, इस लेवल तक आया था। अगर हम टेक्निकली एनालाइज़ करें स्टॉक को, तो इसकी जो ओवरऑल देखिए 2014 के बाद ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, तो ये ट्रेंड लाइन सजेस्ट करती है कि अगर इसमें गिरावट आगे आती है तो इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आने वाले कुछ टाइम में, 2-4 महीनों में, ये 50 रुपये तक भी आ सकता है, मतलब मैक्सिमम इन लेवल्स तक आ सकता है इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो फास्ट ट्रेंड लाइन है, अभी अपनी फास्ट ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर गया है, और रिजल्ट ईयरली बेसिस पे तो ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा कमी जरूर देखी गई है, और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम पे वापस यही 70 के रेंज में आ जाएगा। आप देखिए अभी की जो क्या प्राइस रेंज, आज ये देखिए, आज ही इसमें रिजल्ट के बाद गिरावट देखने को मिली है, तो ही ये इस लेवल पे आ गया था। ये देखिए, आज अगर रिजल्ट जब आया इसका, तो उसके बाद देखिए आप गिरावट देखने को मिली थी, लगातार नीचे गिरता रहा ये स्टॉक, मार्केट में भी आज गिरावट थी और ये स्टॉक में भी गिरावट जरूर देखने को मिली थी। तो आने वाले टाइम पे मैं तो ये कहूँगा कि इस स्टॉक में अगर गिरावट इसी तरीके से चलती रहती है, तो ये स्टॉक आपको इन लेवल्स में, जो सेकंड सपोर्ट लेवल है 58 रुपीज़ कह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये मिल सकता है ये स्टॉक आपको, जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जामना ऑटो का मैंने आपके साथ रिजल्ट शेयर किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया 50 पैसे का जरूर, पिछले साल के कंपैरिजन में डिविडेंड में थोड़ा कमी जरूर देखी गई है, और रिजल्ट, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए,
चैनल अब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।